बेड़ी के पायदान में चिन्ह दिया उन्होंने। जैसे हम इंटरेस्ट में जब कुंकू लगाते या हल्दी लगाते हैं, हाँ, उसी तरीके से उनका एक पैर रखते हैं तो उन्होंने रखा हुआ है, यानी शुभ माना हुआ, ये इनका देवकुल स्थान। अब यहाँ से शुरू होता है चंद्रगुप्त मौर्य और वाकाटक पीठ के अवशेष। अभी हमने देखे सातवाहन और वाकाटक पीठ के अवशेष, और यहाँ से अभी शुरू होता है चंद्रगुप्त और वाकाटक। तो ये सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए। जब स्तूपा के ऊपर हम जाते हैं तो वहाँ पे चौकोर पद्धति में उन्होंने स्तूपा की निर्मित की थी, और उसी के बगल में जहाँ टीन से जो ढका हुआ है वहाँ पे पुरुषमेध के अवशेष मिले हुए जो पुतला है। और ख़ास करके ये जो आप डिजाइन देख रहे हैं, तो जैसा हम घरों में तोरण लगाते हैं प्रवेश द्वार के ऊपर में, वैसे उस पेड़ में उन्होंने इसको लगवाया पत्थर में गढ़ के। और वैसे ही ये जो है ये अर्ध चंद्रशिला है, जो आधा चांद होता है, यह है चंद्रगुप्त मौर्यों का प्रतीक चिन्ह। और अभी हम आगे जाएंगे तो वहाँ पे स्तूपा के बगल में उनका चैत्य हॉल, स्तूपा, और स्तूपा के ऊपर में जाने के लिए सीढ़ियाँ, ये सब हम अभी देखेंगे। और उसी तरीके से जो कमल की जो पंखियाँ उन्होंने डिजाइन्स की हुई है ईंटों में, वो भी हम अभी देखेंगे।